कैंट एवं सर्विलांस सेल की संयुक्त टीम द्वारा लूट व डकैती का वांछित अभियुक्त 25,000 के इनामिया मनोज साहनी उर्फ टमाटर पुत्र स्वर्गीय विदेशी निवासी मोहरीपुर नकहा नंबर 1 केवटहिया टोला थाना चिलुआताल जनपद गोरखपुर जो कि विगत काफी दिनों से फरार चल रहा था को गिरफ्तार कर लिया गया, जिसके संबंध में पुलिस अधीक्षक लाइन प्रभारी पुलिस अधीक्षक नगर राहुल भाटी ने बताया कि गिरफ्तार अपराधी मनोज साहनी उर्फ टमाटर का एक संगठित गिरोह है जिसने 4 अप्रैल को शैलेंद्र कुमार मिश्र पुत्र नमेंद्र मिश्र निवासी रुस्तमपुर थाना कैंट जनपद गोरखपुर के द्वारा अपने को जानने वाले लोगों से कुल 4,60,000 रुपया बलदेव प्लाजा पर उधार लेकर अपने घर रुस्तमपुर जाने के लिए निकले थे कि साय करीब 7 बजे के आसपास रुस्तमपुर स्थित उसके घर के पास से 2 मोटरसाइकिलों पर सवार कुछ अज्ञात व्यक्तियों द्वारा उसे जबरन रोककर उसके हाथ से पैसे वाला बैग छीनकर फरार हो गए थे। मनोज साहनी उर्फ टमाटर का एक संगठित गिरोह है जो नेपाल में कारोबारियों व्यापारियों की रैकी कर उनके साथ लूट एवं डकैती जैसे संगीन अपराध करते हैं। इस गैंग के द्वारा पूर्व की कई घटनाओं में हत्या तक की गई है। इस तरह के जघन्य अपराधों में इनके कुछ साथियों द्वारा कारोबारियों व्यापारियों के आने जाने की मुखबिरी रैकी की जाती है तथा संयुक्त रूप से इस गैंग द्वारा अवैध असलहों से लैस होकर रास्ते में ही आने जाने वाले कारोबारियों व्यापारियों से लूट डकैती जैसी जघन्य घटनाओं को अंजाम दिया जाता है। इस गैंग के कुछ सदस्यों को पुलिस द्वारा पूर्व में गिरफ्तार कर जेल भेजा जा चुका है। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए पुलिस अधीक्षक लाइन प्रभा पुलिस अधीक्षक नगर राहुल भाटी ने कहा, दिनांक 15/7/2022 को एक बहुत ही शातिर 25,000 के इनामी लुटेरे की गिरफ्तारी थाना कैंट एवं सर्विलांस सेल की संयुक्त टीम द्वारा की गई है। इस लुटेरे की गिरफ्तारी कचहरी के गेट नंबर 2 थाना कैंट से की गई है। इस पर कुल 8 लूट के एवं अन्य शस्त्र अधिनियम के मुकदमे पंजीकृत थे। ये व्यक्ति करीब 2.5 महीने से फरार चल रहा था। इसने कई सारी लूट की घटनाओं को पारित किया गया है, जिसमें हाल ही में थाना कैंट में बलदेव प्लाजा पर हुई 4,60,000 की लूट शामिल है, जिसके बाद से यह अपराधी फरार चल रहा था। इसे गिरफ्तार कर जेल भेजा जा रहा है, अग्रिम कार्रवाई की जा रही है।